हम चुनाव के सभी नतीजों का, पक्ष में हो प्रतिपक्ष में हो, जनता के फैसले का स्वागत करते हैं। एक दो स्थानों पर अतिरिक्त जीत कांग्रेस की हुई है, उनको प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन इसको जनता का समूचे देश के लिए एकमात्र वर्डिक्ट मानना गलत है। श्री ओवैसी भड़काऊ और तीखे बयान देने के आदि हैं। देश ने राष्ट्रपति तक मुस्लिम चुने हैं, उनको ऐसे सवाल नहीं उठाने चाहिए। लंबे समय से जम्मू कश्मीर का विकास पूर्णता के साथ नहीं हो पाया। श्री मनोज सिन्हा के कार्यकाल में प्रगति हुई है, उसको और गति देने के लिए ये अतिरिक्त शक्ति उनको दी गई। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को संपूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। महबूबा मुफ्ती को ये भी चुनाव के सभी नतीजों का, पक्ष में हो प्रतिपक्ष में हो, जनता के फैसले का स्वागत करते हैं। एक दो स्थानों पर अतिरिक्त जीत कांग्रेस की हुई है, उनको प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन इसको जनता का समूचे देश के लिए एकमात्र वर्डिक्ट मानना गलत है। श्री ओवैसी भड़काऊ और तीखे बयान देने के आदि हैं। देश ने राष्ट्रपति तक मुस्लिम चुने हैं, उनको ऐसे सवाल नहीं उठाने चाहिए। लंबे समय से जम्मू कश्मीर का विकास पूर्णता के साथ नहीं हो पाया। श्री मनोज सिन्हा के कार्यकाल में प्रगति हुई है, उसको और गति देने के लिए ये अतिरिक्त शक्ति उनको दी गई। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को संपूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। महबूबा मुफ्ती को ये भी चुनाव के सभी नतीजों का, पक्ष में हो प्रतिपक्ष में हो, जनता के फैसले का स्वागत करते हैं। एक दो स्थानों पर अतिरिक्त जीत कांग्रेस की हुई है, उनको प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन इसको जनता का समूचे देश के लिए एकमात्र वर्डिक्ट मानना गलत है। श्री ओवैसी भड़काऊ और तीखे बयान देने के आदि हैं। देश ने राष्ट्रपति तक मुस्लिम चुने हैं, उनको ऐसे सवाल नहीं उठाने चाहिए। लंबे समय से जम्मू कश्मीर का विकास पूर्णता के साथ नहीं हो पाया। श्री मनोज सिन्हा के कार्यकाल में प्रगति हुई है, उसको और गति देने के लिए ये अतिरिक्त शक्ति उनको दी गई। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को संपूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। महबूबा मुफ्ती को ये भी ध्यान रखना।